दोस्तों, मैं आज चैनल पर एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। आज मैं आपको ऐसी अनोखी और एकदम सरल कुकिंग टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इससे आपको खाने को और भी लजीज बनेगा। जो भी आपके हाथ का खाना खाएगा आपकी तारीफ जरूर करेगा। तो चलिए शुरू करें। लेकिन हाँ, कुकिंग टिप्स वह रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। खाना बनाना एक कला है और टेस्टी खाना बनाने के लिए हमेशा कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। यहाँ हम आपको 10 ऐसे यूजफुल किचन टिप्स बता रहे हैं जो हर महिला को मालूम होने चाहिए। ये 10 इजेड किचन टिप्स आपकी कुकिंग को आसान बना देंगे। एक टमाटर का सूप बनाने के लिए उसे उबालते समय ही एक हरी मिर्च, एक लहसुन की कली और एक टुकड़ा अदरक डाल दें। सूप स्वादिष्ट बनेगा। दो, ग्रेवी के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करते समय हमेशा लहसुन की मात्रा 60% और अदरक 40% होना चाहिए, क्योंकि अदरक का स्वाद बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तीन, अगर आप रात में चने, छोले या राजमा भिगोना भूल गई हैं, तो कोई बात नहीं, सुबह उन्हें 1 से 1.5 घंटे तक गर्म पानी में भिगो कर रखें और उबालते समय उसमें 2 खड़ी सुपारी डाल दें। 4. खसखस को 10-15 मिनट पानी में भिगोने के बाद ही मिक्सर में पीसें, इससे वो अच्छी तरह पिस जाएगा। 5. सब्जियां, सलाद आदि बहुत छोटे आकार में काटने से उनकी पौष्टिकता कम हो जाती है। 6. अचार और सब्जियों में घर में तैयार लाल मिर्च पाउडर डालने से स्वाद और रंग अच्छा आता है। 7. हरी सब्जियों को ढककर पकाएं ताकि उनमें मौजूद विटामिन भाप के साथ उड़े नहीं। 8. दाल में अगर पानी ज्यादा हो जाए तो उसे फेंके नहीं, बल्कि सब्जी, सूप आदि में इसका इस्तेमाल कर लें। नौ, अगर मसाले में नारियल पिसा हो तो उसे ज्यादा देर तक न भूनें। दस, करी को शाम तक फ्रेश रखने के लिए उसमें आधा नींबू निचोड़ दें। ये टिप्स भी हैं काम के आंच से उतारने के बाद भी कड़ाही पैन गरम होने की वजह से खाना पकता रहता है, इसलिए खाने को खासकर चावल की डिश को ज्यादा पकने से बचाने के लिए उसे पूरी तरह पकने से कुछ देर पहले ही आंच से उतार लें। चिकन, मटन और फिश को फ्रिज में रखने से पहले अच्छी तरह धो लें, साथ ही इन्हें अलग अलग पैकेट्स में रखें। अगर आप फिश या सब्जी के लिए राई का पेस्ट बना रही हैं, तो इसकी कड़वाहट दूर करने के लिए इसमें थोड़ा सा भिगोया हुआ खसखस, मिर्च और नमक मिलाएं। टमाटर को आसानी से छीलने के लिए उसे बीच से काट लें और कटे हुए भाग को नीचे की ओर रखते हुए माइक्रोवेव में 2-3 मिनट के लिए रखें। नॉनस्टिक पैन को गरम करने से पहले उसे नॉनस्टिक वेजिटेबल कुकिंग स्प्रे से कोट कर लें, साथ ही उसे 3 मिनट से ज्यादा देर तक गरम न करें। पाई बनाने या किसी चीज को माइक्रोवेव में गरम करने के लिए कांच के बर्तन का इस्तेमाल करें, जबकि केक बनाने के लिए नॉनस्टिक या सिलिकॉन पैन का प्रयोग करें। कोई भी चीज ग्रिल करने से पहले ग्रिल पर नॉनस्टिक कुकिंग स्प्रे छिड़के ताकि कोई भी चीज ग्रिल करते समय चिपके नहीं। एक बात आप सबको मैं कहना चाहती हूँ कि वीडियो तो आप लोग देखते हैं, लेकिन नए वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करना क्यों भूल जाते हैं? अगर आप इस चैनल को अपना सहयोग करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके व्हाट्सएप या अपने फैमिली और दोस्तों को शेयर करिए, ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सके। ये बिल्कुल मुफ्त है।